हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में बताया था, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हमने टॉप फंड्स पर दो वीडियो बनाया है 2020 के लिए। एक वीडियो में हमने आपको टॉप 5 बेस्ट ESIP बताया था 2020 के लिए, और दूसरे में हमने टॉप 5 बेस्ट लार्ज कैप फंड्स बताया था 2020 के लिए। तो ठीक इसी तरह आज भी हम आपको टॉप सीरीज़ के टॉप 5 बेस्ट मिड कैप फंड्स बताएंगे 2020 के लिए। मिड कैप फंड्स फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए अब देख लेते हैं टॉप 5 बेस्ट मिड कैप फंड्स को। तो इसमें हमारा पाँचवा फंड है DSP मिड कैप फंड। इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया गया है और बाकी का कैश एंड कैश इक्विटी में किया गया है। सेक्टर एलोकेशन इस फंड के डाइवर्सिफाइड है। टॉप 10 होल्डिंग्स इस फंड के अच्छे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है जिनके की नाम आप जानते होंगे। प्राइस टू अर्न रेशियो इस फंड का भी काफ़ी अच्छा है। ट्रेलिंग रिटर्न फ्रेंड्स इस फंड का काफ़ी अच्छा है। जब से यह लॉन्च हुआ है तब से इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न काफ़ी मिक्स है। ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न भी इसका काफ़ी अच्छा है। रिस्क इस फंड में कम है कैटेगरी से, और रिटर्न पोटेंशियल इसमें ज़्यादा है कैटेगरी से। चलिए अब इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए, इसका वन ईयर का रिटर्न है 11.31%, थ्री ईयर्स का है 12.93%, फाइव ईयर्स का है 11.67%। कैटेगरी है इसका मिड कैप। रिस्क ग्रेड इसमें बिलो एवरेज है, मतलब कि इन सभी फंड्स में हम कैटेगरी से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि इस फंड में कैटेगरी से बिलो एवरेज रिस्क है। नहीं तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मिड कैप फंड्स में मॉडरेट हाई रिस्क होता है। चलिए अब इसके फंड इन्फो को देख लेते हैं। तो इसका फंड हाउस है DSP म्यूचुअल फंड। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में, और इसके रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 14 नवंबर 2006 में। बेंचमार्क है इसका निफ्टी मिड कैप 100 TRI। AUM है इसका ₹6,771 करोड़। इस फंड को दो फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले हैं रेशम जैन, फिर उसके बाद दूसरे हैं विनीत सैमरे। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं इस फंड में। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.20% है, और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.83% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। अब हमारा चौथा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। इसमें भी फ्रेंड्स मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया गया है और बाकी का कैश एंड कैश इक्विटी में। इसके सेक्टर एलोकेशन भी डाइवर्सिफाइड है। टॉप 10 होल्डिंग्स इस फंड के अच्छे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है जिनके की नाम आप पहले से जानते होंगे। ट्रेलिंग रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा है। जब से यह लॉन्च हुआ है तब से लगातार इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न ठीक है। ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न भी इस फंड का ठीक है। रिस्क इसमें कम है, और रिटर्न पोटेंशियल इसमें कैटेगरी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका वन ईयर का रिटर्न है 5.26%, थ्री ईयर्स का है 11.28%, फाइव ईयर्स का है 10.33%। कैटेगरी है इसका मिड कैप। रिस्क ग्रेड इसमें लो है, मतलब कि फ्रेंड्स कैटेगरी से इसमें लो रिस्क है। चलिए अब इसके फंड इन्फो को देख लेते हैं। तो इसका फंड हाउस है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में, और रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर 1993 में। इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। AUM इसका ₹7,604 करोड़। इस फंड को भी दो फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले हैं हरी श्याम सुंदर, फिर उसके बाद दूसरे हैं आर जेनेकिरमन। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं इसमें। एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का 1.01%, और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.89% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। अब हमारा तीसरा फंड है टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड। ये फ्रेंड्स 5-स्टार रेटेड फंड है। मेजर इन्वेस्टमेंट इसमें इक्विटी में किया गया है, और बाकी का कैश एंड कैश इक्विटी में किया गया है। सेक्टर एलोकेशन इस फंड के काफ़ी अच्छे डाइवर्सिफाइड है, जिससे कि आपको अपने रिटर्न में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। टॉप 10 होल्डिंग्स इस फंड के अच्छे हैं। ट्रेलिंग रिटर्न इस फंड का काफ़ी अच्छा है। जब से यह लॉन्च हुआ है तब से लगातार ही इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न अच्छा है। ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न इसका फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। रिस्क इसमें अधिक है कैटेगरी से, और रिटर्न पोटेंशियल इसमें काफ़ी ज़्यादा है कैटेगरी के कंपैरिजन में। चलिए अब इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका वन ईयर का रिटर्न है 8.80%, थ्री ईयर्स का है 13.60%, फाइव ईयर्स का है 9.80%। कैटेगरी है इसका मिड कैप। रिस्क ग्रेड इसमें अबव एवरेज है।
चलिए अब इसके फंड इन्फो को देख लेते हैं। तो इसका फंड हाउस है टाटा म्यूचुअल फंड। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में और इसके रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 1994 में। बेंचमार्क है इसका निफ्टी मिड कैप 100 TRI। AUM है इसका 768 करोड़। फंड मैनेजर इस फंड को भी दो फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले हैं एनिति फर्नांडिस और दूसरे हैं रुपेश पटेल। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं इसमें। एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का 1.35% और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.52% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 12% से ज़्यादा के यूनिट निकालने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। सेकंड फंड है हमारा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा फंड है। इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया गया है और बाकी का कैश एंड कैश इक्विटी में किया गया है। इसका सेक्टर एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, पिछले फंड से भी अधिक डाइवर्सिफाइड है, जो कि अच्छी बात है। इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर नई कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब देखना इंपॉर्टेंट ये होगा कि आगे चलकर ये कंपनीज़ कैसा परफॉर्म करती हैं। ट्रेलिंग रिटर्न भी इसका काफ़ी अच्छा है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लगातार ही इसने अपने बेंचमार्क को बीट करता आया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न फ्रेंड्स इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें इसने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। रिस्क इसमें लगभग लगभग कैटेगरी के बराबर है और रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है कैटेगरी से। चलिए अब इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 10.78%, 3 ईयर्स का है 13.17%, 5 ईयर्स का है 12.36%, कैटेगरी है इसका मिड कैप। रिस्क ग्रेड इसमें बिलो एवरेज है। बात करें फंड इन्फो की तो इसका फंड हाउस है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में और इसके रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 30 मार्च 2007 में। बेंचमार्क है इसका निफ्टी मिड कैप 100 TRI। AUM है इसका ₹5,670 करोड़। फंड मैनेजर है इसके पंकज टेबरेवाल। मिनिमम SIP आप 1000 से कर सकते हैं इसमें। एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का 0.82%, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है। रेगुलर प्लान का इसका एक्सपेंस रेशियो 1.86% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। अब हमारा नंबर 1 फंड है एक्सेस मिड कैप फंड। ये फ्रेंड सभी मिड कैप फंड्स में से काफ़ी अच्छा है, इसीलिए हमने इसको नंबर 1 पर रखा है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान का बहुत कम है और तो और इसका AUM भी सिर्फ 3,859 करोड़ ही है। फ्रेंड्स मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में AUM जितना कम रहे उतना ही अच्छा माना जाता है। AUM के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप आई कार्ड पर क्लिक करके हमने एक वीडियो बनाया है उसे देख सकते हैं। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें इक्विटी के साथ साथ डेट में भी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, जो कि फ्रेंड्स और सभी फंड में हमने अभी तक नहीं देखा। डेट में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और इसका सेक्टर एलोकेशन भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें नई और पुरानी दोनों कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसमें से कुछ कंपनीज़ के नाम आप जानते भी होंगे। ट्रेलिंग रिटर्न इसका फ्रेंड्स पिछले फंड के जैसा है। ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें इसने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। इसमें रिस्क कैटेगरी से बहुत कम है और रिटर्न पोटेंशियल भी कैटेगरी से बहुत ज़्यादा है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है। स्पेशली इसका अल्फा 8.92 है जबकि कैटेगरी का केवल 0.30 ही है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका 1 ईयर का रिटर्न है 14.86%, 3 ईयर्स का 20.50%, 5 ईयर्स का है 11.73%, कैटेगरी है इसका मिड कैप, रिस्क ग्रेड इसमें लो है। बात करें फंड इन्फो की तो इसका फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में और रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2011 में। बेंचमार्क है इसका S&P BSE मिड कैप TRI। AUM है इसका ₹3,859 करोड़। फंड मैनेजर है श्रेयस दिवलकर। मिनिमम SIP आप 1000 से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का 0.61%, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी कम है और इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.99% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 10% से ज़्यादा के यूनिट निकालने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम उन सभी कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, कोरा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।
आ रहे विंडो पर क्लिक करके आप टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स पर हमने एक वीडियो बनाया है उसको देख सकते हैं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।